हेलो फ्रेंड्स अपने चैप्टर में जिसका नाम है निर्देशन डायरेक्टिंग इसमें हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे और इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग दो चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे पहले तो लीडरशिप के गुण क्या क्या होते हैं क्या कुछ ऐसे गुण हैं जो किसी लीडर में होने चाहिए या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसमें मैं वो सारे गुण दिख रहे हैं तो क्या फिर वो लीडर हो गया इस तरह की बात करेंगे और फिर इसी में आगे जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो आएगा लीडरशिप स्टाइल्स का कि नेतृत्व तो शैलियां कैसी कैसी होती है और उसके बाद फिर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करेंगे संप्रेषण की बात करेंगे तो सबसे पहला तो यही है कि अच्छे नेता के गुण क्वालिटीज ऑफ अ लीडर है ना अब समझिए कि क्या ऐसे कुछ गुण हैं जो सभी नेताओं में समान रूप से पाए जाते हैं कुछ ऐसे गुण हैं समझिए कुछ गुणों का हमें आइडेंटिफाई करना है जो सभी अच्छे नेताओं में समान रूप से पाए जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी ली, लीडर्स हैं अब यहाँ पर लीडर्स की बात आ, हम लोग का जो भी परवेश है उसमें हम लोग कई बार समझते हैं कि जो सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स उनकी बात की जा रही है जो राजनीति में नेता उनकी बात की जा रही है ऐसा नहीं है हर सेक्टर्स में लीडर्स होते हैं लीडर वो है जिसकी बात बाकी लोग मान रहे हैं लीडर वो है जो बाकी लोगों को डायरेक्शन दे रहा है, है ना नाम क्या है डायरेक्टिंग तो कोई भी प्रोफेशनल वर्ड है कोई कंपनी उसमें भी लीडर्स है जो मैनेजर्स हैं तो मैनेजर का ही लीडरशिप रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऐसी स्थिति में आप ये समझिए कि होता क्या है ऐसे जब हम गुणों को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत शोध किया और ऐसा देखा कि कुछ कुछ हमें गुण मिल रहे हैं क्या तो आपको जानकर के आश्चर्य हो सकता है कि कुछ अठारह हजार तरह की क्वालिटीज को ढूंढा गया कि ये 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 हैं बट उनमें से बहुत सारी जो क्वालिटीज हैं वो कॉमन है और उसको अलग अलग तरह के रिसर्चर्स ने अलग अलग तरह का नाम दे रख करके बात की है तो हमारी किताब में कुछ ऐसी क्वालिटीज की बात की गई है कुछ ऐसे गुणों की बात की गई है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे एक बात ध्यान देना चाहिए कि जितने भी हमारे रिसर्चर्स हैं ना उन्होंने जिन गुणों को आइडेंटिफाई किया है जरूरी नहीं है कि ये सारे गुण अगर किसी में है तो वो लीडर है ये बात हम लोग करेंगे अपनी नेतृत्व शैलियों को जब भी पढ़ेंगे इसके बाद तो लीडरशिप uh, स्टाइल्स में हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि ये सारे गुण है उसके बाद भी कोई लीडर नहीं है तो कुछ और चीज की आवश्यकता होती है क्या तो एक चीज बोली आती है कि नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट समझ जाए कि चीज आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है समझ रहे जैसे कि जब कोई एक कंडीशन है अगर वो नहीं है तब तो नहीं हो सकता लेकिन वो है इसका मतलब ये नहीं कि हो जाएगा आप समझ समझो तो ऐसी स्थिति में लोग क्या बात करते हैं कि इसी कॉन्टेक्स्ट में लोग समझने की कोशिश करेंगे लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है अब ऐसा है कि यहां पर अलग अलग तरह की अप्रोचेस आती हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जरूरी नहीं है आप कुछ गुणों को ही लिस्ट डाउन कर पाओ लेकिन जिस अप्रोच को हम लोग पढ़ रहे हैं अभी वो अप्रोच ये बोलती है वो दृष्टिकोण ऐसा बोलता है कि नहीं आप कुछ कुछ ऐसी स्किल्स हैं कुछ कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं कुछ ऐसे गुण हैं जिनको लिस्ट आउट कर सकते हो जिनको नाम दे सकते हो और वहां से आप नेता और गैर नेता मतलब एक भीड़ है उसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये ये लोग लीडर्स होंगे और ये ये लोग लीडर्स नहीं होंगे ऐसी बात की जा सकती है तो ये एक अप्रोच है ठीक है अब ये सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को मैनेजर्स को इनको समझने के लिए हम लोगों ने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट कुछ कुछ अवधारणाएं बना रखी हैं और उन अवधारणाओं के हिसाब से एक दृष्टिकोण ऐसा बोलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं तो इसमें हम लोगों ने ये लिस्ट डाउन कर रखा है हमारी किताब में यही दे रखे हैं बाकी भी आप देख सकते हो इसी में एक बॉक्स दे रखा है हमारी बुक में जिसमें कुछ कुछ अलग अलग अः जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने अलग अलग तरह के अः गुणों को आइडेंटिफाई किया हुआ है तो हमारे में पहला तो आता है शारीरिक विशेषता फिजिकल फीचर्स बोलते हैं इनको ठीक है क्या बोलते हैं फीचर्स फीचर समझ रहे हैं कोई इंसान लंबा चौड़ा और स्वस्थ दिख रहा है कॉन्फिडेंट रहता है उसकी चाल दाल ठीक है इन सब का भी फर्क पड़ता है खास तौर से आ, लेवल हम लोगों ने मैनेजर्स के वो देखे थे लेवल्स कितने कितने हुआ करते हैं तो जो लो लेवल और मिडिल लेवल uh, होता है ना वहां पर फिजिकल फीचर्स भी काफी मैटर करते हैं कि नहीं यार ये आदमी लीडर लग रहा है तो देख करके जो चीज आती है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत ही स्मार्ट है स्टीफन हॉकिंग्स जैसे लोग भी हैं साइंटिफिक वर्ल्ड में तो उनको लीडर बोला ही जा सकता है तो वो उनके फिजिकल फीचर्स क्या उनको तो काफी तरह की समस्या है उसके बाद भी uh, उनको लीडर कहा जाएगा क्यों क्योंकि जैसे जैसे आप हाई लेवल पर चलते चले आते हो टॉप लेवल पर चलते चले आते हो हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी तो ऐसे लोग भी रहे जिनको कद काठी में बहुत छोटे थे लेकिन उनकी बाकी जो क्षमता हुआ करती थी वो सराहनीय हुआ करती थी तो जब लो लेवल मैनेजमेंट की बात करते मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर फिजिकल फीचर्स को काफी इंपॉर्टेंस मिल सकती है होता क्या है कि देख करके लगता है कि हाँ यार ये आदमी ठीक होगा है ना या ये महिला समझदार है और इस ये बहुत अच्छे से काम करा लेगी तो एक तरह का लीडरशिप उसका फॉलो करने का मन करता है तो उस सेंस में लोग आकर्षित होते हैं कि हाँ इनकी बात मानी आ सकती है ठीक ऐसे ही दूसरी चीज होती है कि अगर आप स्वस्थ हैं ठीक है स्वस्थ होना और आपकी सहनशीलता ज्यादा है तो आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे और जब आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे तो आप खुद से एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे बाकी लोगों के लिए जो आपके अधीनस्थ है आपके एम्प्लॉईज हैं आपके साथ काम कर रहे हैं उन सारे लोगों के लिए तो इन दोनों एंगल से बात कर निकल करके आती है कि फिजिकल फीचर्स होने चाहिए ठीक ठाक होने चाहिए अच्छे होने चाहिए ठीक है ठीक ठाक का मतलब जितना अच्छा उतना ही ज्यादा बेहतर है अब अगली बात आती है ज्ञान और योग्यता की जिसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस अगर आपको समझ ही नहीं है तो आप आदेश क्या दोगे और हमारा जो ये चैप्टर इसका नाम क्या है निर्देशन तो निर्देशन के लिए आपको समझ तो होनी चाहिए फिर आपके पास योग्यता होनी चाहिए ठीक है तो अगर कोई भी काम कराना है तो आपको निर्देशन की आवश्यकता है क्यों क्योंकि निर्देशन क्या करता है हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि निर्देशन काम को शुरुआत कराता है उसके पहले तो हम लोग काम शुरू करने की तैयारी कर रहे होते हैं जो भी हमारे फीचर्स हैं मैनेजमेंट के उसमें जो फंक्शंस हैं उसमें हमारा डायरेक्टिंग ही ऐसा काम होता है जहां से हम काम शुरू कर रहे होते हैं तो जब तक आपको ज्ञान नहीं है आपको कॉम्पिटेंस नहीं है तो आप क्या नहीं कर सकते हो आप किसी को आदेश नहीं दे सकते हो और आदेश देना जरूरी है तो इस वजह से ये गुण भी होना चाहिए अब तीसरी बात आती है इंटेग्रिटी की अखंडता की ईमानदारी और अखंडता में आ, काफी सिमिलरिटी रहती है आ, थोड़ा सा अंतर रहता है मैं कभी एथिक्स पढ़ाऊंगा यूपीएससी रिपेयर करने के लिए तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा अभी आप समझिए अखंडता का मतलब क्या होता है कि हो सकता है संगठन में आपको कुछ बेनिफिट मिल रहे हो ठीक है क्योंकि आप बड़ी पोस्ट पर है और वो बेनिफिट्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि तो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो संगठन के भलाई के लिए आवश्यक है ठीक है अब आप समझिए कि आप उन बेनिफिट्स का यूटिलाइजेशन अपने लिए करने लगे जैसे आपको कार मिली हुई ऑफिस जाने के लिए ऑफिस से आने के लिए अब आप कुछ कार से अपनी फैमिली मेंबर्स को कहीं पर भी ले जा रहे हैं ठीक है हमेशा ही और इस तरह का काम कर रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो बाकी के लोग हैं वो लोग क्या देखेंगे वो ये देखेंगे कि आप तो खुद से ही संगठन के संसाधनों का प्रयोग अपने व्यक्तिगत हितों को साधने में कर रहे हैं तो ऐसे में जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है आपके अधीनस्थ जो लोग आपके सहकर्मी है वो लोग भी ढिलाई बरतने लगेंगे कब जब इस दृष्टिकोण की बात आएगी कि संगठन के संसाधनों का प्रयोग संगठन की भलाई के लिए करना है ना कि व्यक्तिगत फायदे के लिए आपको मिल रहा है आपको ऑलरेडी सैलरी मिल रही है पक्ष मिल रही है तो आप उनका यूज करिए लेकिन कुछ ऐसा है और साथ में ऐसा ही होता है इंटीग्रिटी में कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी दूसरे कर्मचारी का फेवर कर दिया किसी वजह से आपने रिश्वत ली या रिश्वत नहीं भी ली बट आप किसी की भी कि जैसे आप किसी की तरफ इंक्लाइंड है और आप बायस तो ये सारी चीजें क्या होती है कि एक अच्छे लीडर के अंदर नहीं होने चाहिए तो यहां पर बात आती है इंटीग्रिटी की आप अखंडता आप में होनी चाहिए ठीक है तो ये हो गया अब अन्यथा क्या होता है पूरे संगठन में ही नैतिक पतन स्टार्ट हो जाता है तो क्योंकि आपको ही लोग देख रहे हैं जब लीडर ही हमारा ऐसा है तो कैसे काम चलेगा अगली क्वालिटी की बात करते हैं तो अगली आती है हमारी पहल इनिशिएटिव लेने की ठीक तो इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि आपको कोई अवसर दिखा ठीक है कि ये अपॉर्चुनिटी है और हो गया है। किया संगठन को जो लाभ हो सकता था वो नहीं होने दिया तो आपको यहां पर क्विक थिंकिंग की जरूरत होती है और क्विक थिंकिंग के साथ साथ काफी चीजें आपको देखते रहना होता है कि कहां पर अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए रहेगी बाकी कोई ना कोई दूसरा ग्रैप कर लेगा ग्रैप करना मतलब हथियार लेना हथियार लेना हम लोगों ने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर समझते हैं हथियार लेना तो वैसे थोड़ा सा नेगेटिव कोनोटेशन के साथ आता है किसी की जमीन हथियाली लेकिन यहां पर बात है कि आप सुवसर को हथियारे हो मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो ऐसा नहीं कि हम आराम से बैठे हुए हैं और कोई अवसर है हमारे पास अपने आप बनकर चल करके आया फिर हमने सोचा नहीं यार इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं है हमें ढूंढते रहना है कि मार्केट में या हमारे जो भी हमारा सेगमेंट है हमारी इंडस्ट्री है हमारे सेक्टर है, है उसमें कौन कौन सी पॉजिटिव उभर करके आ रही है तो उनको तुरंत ही हथियार करके उनको ऊपर जल्दी डिसाइड करना है इनिशिएट करना है इनिशिएटिव लेना है और उनको अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा कि संगठन को फायदा होगा और ये सारी क्वालिटीज किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं किसी एक लीडर के लिए और लीडरशिप मैनेजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो अल्टीमेटली हम हम मैनेजर्स की बात के दृष्टिकोण से ही ये सारा पूरा चैप्टर जो पढ़ रहे हैं हमारी पूरी बुक ही उसी पर बेस्ड है वैसे तो अब समझिए अगली बात आती है संप्रेषण कौशल की कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या था कम्युनिकेशन की एक बात समझिए का बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन को समझते हैं कि आप अपनी बात को दूसरे तक स्पष्टता से पहुंचा पा रहे हो उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं आपने अपनी बात किसी दूसरे तक बहुत अच्छे से स्पष्टता से बहुत क्लैरिटी से लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आप अपनी बात कह पा रहे हो और दूसरे की बात सुन भी पा रहे हो ठीक है पूरा जो इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो बना हुआ है तो मुझसे सिर्फ आप तक बात जा रही है तो वो कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट हुआ आपका फीडबैक भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आप वो बात समझ पाए मुझे कैसे पता चलेगा फीडबैक से साथ में आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आप कुछ काम कर रहे हैं मान लीजिए कोई फ्लोर लेवल फैक्ट्री में काम करने वाला एम्प्लॉई है उसको कुछ ऐसा दिखता है कि यार ये काम करेंगे तो इससे काफी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी कॉस्ट कटिंग मतलब कम लागत आएगी अब अगर आपने कभी दूसरे को सुनने की आजादी नहीं दे रखी है कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो आप कभी सुन ही नहीं रहे हो आपने बोलने की आजादी नहीं दे रखी है तो आप क्या कर रहे हो अपने डिसीजन को जितना अच्छा बना सकते हो उतना अच्छा नहीं बना पाया क्यों क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन नहीं है एक ही वन वे फ्लो हो रहा है ठीक है वन वे देखा ना कभी कभी ट्रैफिक होता है कि सिर्फ इस ये ये रास्ता वन वे के लिए ही है तो वैसा नहीं होना चाहिए और इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कम्युनिकेशन की जब भी बात करेंगे तो निश्चित रूप से अपने विचारों को स्पष्टता से समझा पाना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ में आपको अच्छा श्रोता होना भी इंपॉर्टेंट है ऐसे ही अगर किसी को समस्या आ रही है तो आप उसको समझाएंगे तो शिक्षक होना भी इंपॉर्टेंट है परामर्शक मतलब आप उसको सलाह देंगे आप एडवाइस करेंगे तो एक एडवाइजर का रोल भी रहता है और विश्वसनीयता होनी चाहिए आपकी बात में अगर आप ऐसी बात कई बार ऐसे कर रहे हैं ना जो जिसकी रिलायबिलिटी नहीं है क्योंकि अगर आपका तो व्यवहार इस तरह का रहा है और आपने कई बार ऐसी बातें कही है जो उतनी विश्वसनीय नहीं निकली तो लोगों का धीरे धीरे आपसे विश्वास उठ जाएगा वो भेड़ी आएगा कहानी सुनी होगी आपने बचपन में कि बार बार आप बोलते रहोगे हालांकि वो डायरेक्टली इस यहां पर रिलेटेड नहीं है लेकिन आपकी बात में विश्वसनीयता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं आपने कुछ बात ऐसी बोली जो विश्वास करने लायक ही नहीं रही और लोगों ने देखा दो तीन बार फिर उनको लगेगा कि आप इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो वहां पर भी कम्युनिकेशन आप कर पाओगे लेकिन उसका डिफीट हो जाएगा अपनी बात उसका जो इंपैक्ट होना चाहिए था प्रभाव होना चाहिए था वो होगा नहीं तो ये भी एक अगला पॉइंट है फिर आ जाता है अभिप्रेरणा कौशल का मतलब होता है मोटिवेटर होना होना चाहिए चाहिए आपको एक अच्छा अभिप्रेरक और मोटिवेट आप नॉर्मली कैसे कर पाते हो मोटिवेट आप तब कर पाते हो जो आप खुद में ही जिन आदर्शों की बात कर रहे हो उनको जीते हुए चलो ठीक है आप खुद से भी अच्छे से काम करो आप ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में काम करो आप अपनी इंटीग्रिटी लेकर के रखो तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आप खुद में एक अच्छे अभिप्रेरक एक अच्छे मोटिवेटर बनकर करके आ पाओगे और फिर अगला पॉइंट आता है आत्मविश्वास का बहुत कंपटीशन है दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है अगर हम लोग प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करेंगे और ऐसे में कई बार बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कंपनी के पास अगर आपने किसी एक फैक्ट को बहुत तोड़ मरोड़ करके सारे एंगल से देखा और आप काफी देर देखने के बाद से सुनिश्चित हो गए कि नहीं यार ये काम हमें करना चाहिए आपने एक रास्ता डिसाइड किया अब उस रास्ते पर बहुत कठिनाई आए उसके बाद भी उससे आसानी से नहीं हटना है हो सकता है कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाए तो आपको समझ समझाया कि नहीं यार ये रास्ता ठीक नहीं था लेकिन सिर्फ कठिनाइयां जो आपने एक्सपेक्ट कर रखी थी कि यार ये, ये कठिनाई आएंगी और उससे भी थोड़ी ज्यादा कठिनाई आती जाए तो अत्यंत कठिन समय में अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो, खो देंगे आपका खुद का आत्मविश्वास नहीं रहेगा तो वैसी स्थिति में जो आपके फॉलोअर्स हैं आपके इंप्लाइज हैं आपके कोवर्कर्स हैं उनको भी लगेगा कि नहीं यार ये काम करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हुए हैं आ, पहले डैम बनाना बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था बांध बनाना और कुर डैम है अमेरिका में उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री थी कभी देखिएगा तो उसमें भी समझ में आता है कि जो मैनेजर्स थे जो टॉप लीडरशिप थी बहुत सारे चैलेंजेस है लेकिन अगर वो हट जाते तो वो डैम नहीं बनता और उसके बाद से फिर आस पास वहां पर एक पूरा शहर भी बस गया तो बहुत बार बहुत कठिनाई आ रही होती है आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है आपकी टीम छोड़ करके जा रही है हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया या कई लोगों की डेथ हो गई तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बजट ओवरशूट कर रहे हो आप टाइमलाइन नहीं मैच कर पा रहे हो लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कॉन्फिडेंस खोने नहीं खोना होता है अगर आप लीडर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो आपको देख करके बाकी लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि अत्यंत अत्यंत कठिन समय में भी अपना विश्वास नहीं खोना है फिर अगला पॉइंट आता है आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए डिसाइसिवनेस बोलते हैं इसको तो क्या बोलते हैं डिसाइसिवनेस ठीक है इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी सीखते चलिए तथ्य के विषय में जैसे आप सुनिश्चित हो गए मैंने वही बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है आत्मविश्वास सारी चीजें एक तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से आइसोलेशन में है आइसोलेशन समझ रहे हैं कि चीज चीज अलग अलग क्वालिटी ये अलग है सारे एक दूसरे से काफी काफी लिंक रहती है अब यहां पर बात आती है निर्णय लेने की क्षमता अगर आप कोई चीज आपको समझ में आ गई जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंट रहना की आपने डायरेक्शन बना लिया है तो वो डायरेक्शन कैसे बनाया पहले आपने निर्णय लिया ना कि हाँ ये तरीका चलने का और वो कैसे डिसाइड किया आपने सारे फैक्ट्स को एनालाइज किया अब हो सकता है अलग अलग स्टाइल्स की बात करेंगे तो एक बार होता है कि आप अकेले बैठकर डिसाइड करते हो तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल होती है एक राजा की तरह कि नहीं मैंने सोचा वही सब ठीक है एक डेमोक्रेटिक होती है कि आप सारे लोगों को बैठ करके सोच करके समझते हो कि अच्छा ठीक है क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते हैं सारे लोगों ने जो कलेक्टिवली ठीक से समझ में आया फिर आपने उसी में फाइनलाइज किया तो डिसाइड आप ही करोगे लेकिन आपने सारे लोगों को इन्वॉल्व किया और एक होता है कि नहीं सबको अपने अपना काम पर छोड़ दो जहां पर दिक्कत आएगी वहां पर देखेंगे तो ये स्टाइल्स को भी हम लोग पढ़ेंगे आगे लेकिन आप समझ लीजिए कि निर्णय लेने का काम तो आप ही का है क्यों क्योंकि आप ही डायरेक्शन दे रहे हो ना आप ही का काम है डायरेक्शन देने का तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसमें एक और चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी आपने रिक्वायरमेंट्स बताई है ना वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदलनी चाहिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बैंकोर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं तो वो लोग कई बार बहुत परेशान होते हैं क्योंकि जो मैनेजर्स हैं उन्होंने पहले बोला कुछ आप ये काम करो और फर्द मत बोला नहीं नहीं ये काम नहीं करेंगे अब हम ये वाला काम करेंगे फिर बोलेंगे, नहीं, नहीं नहीं ये काम नहीं करेंगे हम ये वाला काम करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कुछ कंपनीज में खासतौर से स्टार्टअप्स में ऐसा होता है तो अगर आप बार बार रिक्वायरमेंट चेंज करते हो ना तो जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर आता है उनको लगता है यार क्या इतना सारा अच्छे मेहनत से काम किया था और वो पूरा काम बेकार हो गया आप दूसरी बार काम करा रहे हो फिर वो बेकार हो गया तो वो मोटिवेशन जो काम करने को था वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से आपने निर्णय लिया तो बहुत सोच समझ करके लीजिए लेकिन एक बार ले लिया तो बहुत फ्रिक्वेंटली उसको चेंज मत करिए ठीक है अब अगली जो हमारे में क्वालिटी दे रखी है वो है सामाजिक कौशल आपको मित्रवत होना चाहिए सीधी सी बात है आप आ, किसी भी संगठन को खड़ा करने में हमें लोगों की आवश्यकता है और अगर आप मित्रवत व्यवहार अगर आपका नहीं है तो आपकी बात ना लोग ठीक से सुनेंगे आप जो चीजें करवाना चाह रहे हो वो भी अच्छे से नहीं हो पाएंगी और इस वजह से आ, जो सोशल स्किल्स है सोशल स्किल्स में क्या होता है कि आप आ रहे हो लोगों से अच्छे से बातचीत कर रहे हो और आपके आने पर लोग अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे उनको अच्छा लग रहा है कि हाँ आप आ गए हो मिले हो सुबह सुबह या फिर किसी भी टाइम पर जा रहे हो लोग अपनी बात आपसे रख पा रहे हैं आप बीच है, बीच में हंस गा भी रहे हो थोड़ा बहुत ठीक है प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करते हुए लेकिन अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका एक कनेक्शन नहीं बनेगा और वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कलेक्टिवली कुछ काम करना है और हम लोग बात कर रहे हैं संगठन की संगठन का मतलब ये कि बहुत सारे लोग साथ में आए और जब बहुत सारे लोग साथ में आए अपने अलग अलग परिवेश अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग रोल में आए लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स तो कुछ है ना कि हमें चीज बनानी है या हमें इतनी मार्केटिंग करनी है तो उन गोल्स को उद्देश्यों को अचीव कराने के लिए आपको लोगों को साथ में लेकर के चलना है और इसीलिए सामाजिक कौशल आपके पास होना चाहिए तो हम लोगों ने ये सारी चीजें देख ली अब आगे देखते हैं हम लोग लीडरशिप स्टाइल्स को इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए क्यू कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें